लॉकडाउन के बाद अब जब अनलॉक 1.0 शुरू होने के साथ ही सड़कों पर यातायात ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ट्रैफिक डीसीपी राहुल प्रकाश ने बताया कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। इसको अनलॉक डाउन वन कह रहे हैं हम लोग, की अनलॉकिंग की प्रोसेस को शुरू किया है, उसको लेकर के ज़्यादातर क्षेत्रों में अनुमति दे दी गई है और सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 9 बजे तक लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। केवल जो कंटेनमेंट जोन है, जिसको कि कर्फ्यू जहाँ पे लगाया गया है और जो उसका बफर जोन है, उसको छोड़कर बाकी सारी जगहों पे लगभग अधिकांश प्रकार की गतिविधियों को चलाने की अनुमति दे दी गई है। इस कारण से काफ़ी ट्रैफिक सड़कों पर अब आ चुका है और उसी के अनुपात में, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग भी अपने ट्रैफिक संचालन का जो कार्य था उसको पुनः शुरू कर दिया है। और जो पॉइंट्स पे हमारे ट्रैफिक कर्मी लगते थे वो भी अब लग चुके हैं, ट्रैफिक लाइट्स प्रारंभ हो चुकी हैं और चालान की कार्रवाई भी हम लोगों ने पहले की तरह ही शुरू कर दिया है। इसमें मुख्य तौर पे अभी ओवर स्पीडिंग के चालान पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसमें कि प्रतिदिन लगभग 250 से 300 ओवर स्पीडिंग के चालान किए जा रहे हैं। इसके साथ में अन्य सेक्शंस के चालान के लिए भी अपने आईओज को निर्देशित किया जा चुका है।